शराब के आदि पति ने पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर जानलेवा हमला किया। मामला गोविंदगढ़ के गांव डोडासर का रियाज नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी रूबीना, जो कि ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी, रायबरेली निवासी पर किराए के मकान में ताबड़तोड़ से चाकूओं से पेट पर, गले पर और सिर पर वार किए। रूबीना की चीख सुनकर आसपास के लोग ने पुलिस को सूचना दी। गोविंदगढ़ अधिकारी विक्रांत शर्मा मौके पर पहुंचे और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से SMS रेफर किया। रूबीना की दो छोटी बेटियां भी हैं। DYSP गोविंदगढ़ संदीप सारस्वत ने बताया कि टीम ने 24 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार किया। टीम को कैश रिवार्ड और प्रशंसा पत्र भी हौसला अफजाई के लिए दिया जाएगा। कल 14 सितंबर 2021 को हमारे गोविंदगढ़ थाने में सूचना मिली थी कि ग्राम ढोरसर स्थित एक होटल में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से मार कर लहूलुहान कर दिया है। तो मौके पर थानाधिकारी विक्रांत शर्मा पहुंचे और उन्होंने महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उसे SMS रेफर कर दिया गया। और इस महिला का नाम रूबीना था और फिर इसके पति को गिरफ्तार करने के लिए हमारे थाने की विशेष टीम का गठन किया गया था और इस टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर ही इसके पति तौफीक खान, जो कि रायबरेली का निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने अपने मानवीय पक्ष को दिखाते हुए इस महिला के देख रेख के लिए, क्योंकि इसके परिजन यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो उसकी देख रेख के लिए हमारे दो कांस्टेबलों को, एक महिला कांस्टेबल को भी वहाँ चिकित्सालय में तैनात किया है और इसके दो छोटी बच्चियाँ हैं उनको बाल कल्याण समिति को सौंप कर उनकी देखभाल की जा रही है। और उसमें FSL का भी हमने मुआयना मौके का करवाया है और सारे एविडेंस करके कलेक्ट करके आगे की कार्रवाई की है।